कि आज जो ज्ञापन दिया गया है ये देने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए कि राम मंदिर के 5 तारीख के भूमि पूजन के दिन राम भक्तों ने, हिंदू समाज के कई कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने उत्सव मनाने का प्रयास किया और जब भूमि पूजन चल रहा था तब कुछ जगह मिठाई बांटना, कुछ जगह भजन करना, पूजन करना, ये कार्यक्रम चालू थे। तो वह अचानक पुलिस ने आके 188 का गुना दाखिल कर दिया, 150-200 कार्यकर्ता पे गुना दाखिल किया और कई कार्यकर्ताओं को नोटिस दी, जैसा तड़ी पार होते हैं ऐसे नोटिस दे दी सभी कार्यकर्ताओं को। हमने अभी तक कुछ नहीं बोला, हमने कहा कि आज पुलिस को ये बात हमने अवगत कराई कि उस दिन का पुलिस का रवैया कुछ अच्छा नहीं था, हम उस दिन कोई संघर्ष नहीं करना चाहते थे, हमारा पुलिस से कोई संघर्ष करने का इरादा भी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने और पुलिस ने जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने किए हुए कार्यक्रम को जिस प्रकार से उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया और 188 के गुने दाखिल किए, वो गुने वापस लेना चाहिए, इसलिए हम प्रवीण दटके जी, हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष और एमएलए है, गिरीश व्यास एमएलए है, हमारे कृष्णा भाव एमएलए है खोपड़ी जी, माननीय विकास कुमार जी एमएलए, शिवानी दानी हमारी भाजप की नेता है, हम सब लोग आए हैं। हमारा कहना है कि ये गुने वापस लेना चाहिए और जिस प्रकार से संघर्षमय वातावरण पुलिस की तरफ से हो रहा था, हमारी तरफ से नहीं हो रहा था, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी धर्म के, सभी समाजों के त्यौहार में जब कोई बात आती नहीं है और उस दिन राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में ये संघर्ष में बात हुई, हमारे तरफ से हमने संघर्ष नहीं होने दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने निवेदन दिया है। सर, जिस प्रकार से अगर आपके गुनाहों को माफ़ नहीं किया गया, पीछे नहीं लिया गया, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्या कोर्ट में कोई पिटीशन दायर करने वाले हो? निश्चित रूप से करने वाले हैं, क्योंकि जब वो चार्जशीट दाखिल करेंगे, हमने कहा है उनके अधिकार में आता है गुनाह वापस लेना, पुलिस कमिश्नर के अध्यक्षता में कमेटी है गुनाह वापस लेने की, कोई नुकसान नहीं हुआ है जानमाल का, कोई सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया है, उनके अधिकार में कमेटी है, वो कमेटी का तुरंत निर्णय ले और गुने वापस करे, नहीं तो कोर्ट से करेंगे। बट जिस प्रकार से उस दिन में पूरी वातावरण तैयार हुआ था, क्लाइमेट तैयार किया गया था, सारे तरह से संचार बंदी टाइप, तो कोई तो हम लोग गुनहगार नहीं थे, जिनको नोटिस दी गई वो सब कोई गुनहगार नहीं, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, जिन पे गुने दाखिल हुए वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, नागपुर में कई हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं, कई जगह जमाव तैयार हो रहा है, कई जगह जमावबंदी हो रही है, अभी भी जाओ जाके देखिए, कई जगह जमावबंदी है, जमाव है, 5 के ऊपर कई लोग खड़े रहते हैं कई जगह। तो ये उस दिन में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन ये करना, ये कुछ अच्छा नहीं था। अगर संचार बंदी का नियम लागू करना है तो नागपुर में चलिए, 1000 स्पॉट ऐसे है जहाँ संचार बंदी का उल्लंघन हो रहा है, 1000 स्पॉट है नागपुर के अंदर जहाँ संचार बंदी का नियम का उल्लंघन हो रहा है, हमने उसके बारे में हमारा कहना नहीं है, लेकिन उस दिन जिस प्रकार से संघर्षमय वातावरण पुलिस की तरफ से किया गया, हम लोगों ने, सारे लोगों ने शांतता मार्ग से ये कार्यक्रम किए, अब पुलिस को विनती है कि दोबारा हिंदू धर्म के कार्यक्रम के लिए ये जो बात, ये जो दड़पण आता है, हर बार नोटिस दी जाती है, हर बार समाज को, जो धार्मिक कार्यक्रम करने वाले को छेड़ा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, सोशल डिस्टेंसिंग का जिस प्रकार से उस दिन जो उल्लंघन किया गया उसको लेकर क्या कहना चाहूँगे, क्योंकि धारा 144 भी अभी भी बरकरार थी? देखिए कि हमने ये नहीं कहा कि धारा का उल्लंघन करना चाहिए, अब अलग अलग तरह से लोग खड़े थे, भजन के लिए 5 लोग खड़े थे, एक तो बच्ची रंगोली निकाल रही थी, सिंगल अकेली थी, उसकी रंगोली जब्त कर ली, एक बच्ची थी ओनली, तो ऐसे एक होर्डिंग प्राइवेट जगह में होर्डिंग लगा था, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, जो नियम से उसके बारे में हमारा कहना नहीं है, लेकिन कई कार्रवाई ऐसी है जो प्राइवेट लैंड पे भी की, अकेले आदमी पे भी की, रंगोली निकालने वाले पे भी की, झंडा लगाने वाले पर भी की गई, लाड़ू बांटने के ऊपर की गई,
तो ये जिस प्रकार से माहौल तैयार किया गया नागपुर के अंदर पूरा कार्यक्रम को संघर्षमय बनाने का, ये हमारे तरफ से नहीं हुआ, पुलिस की तरफ से हुआ। तो मेरी विनती, हमने सबने विनती की है पुलिस हाई कमिश्नर को कि अभी दोबारा हिंदू समाज के या कोई भी समाज का कार्यक्रम रहे, इस प्रकार से संघर्षमय वातावरण ना तैयार करे, संचारबंदी का नियम सभी को लागू करे, कोई अकेला भारतीय जनता पार्टी या हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं, सभी समाज को, सभी धर्म को, सभी स्थानों के ऊपर लागू होना चाहिए। अगर करना है तो सभी का लागू करो, हमारा कोई कहना नहीं है किसी धर्म के खिलाफ और किसी जाति के खिलाफ, लेकिन त्यौहार आता है, कोई भी समाज का त्यौहार हो, उस त्यौहार में पुलिस की तरफ से संघर्ष में वातावरण नहीं होना चाहिए, ये कहना है।